दोस्तों, भाषा ये एक ऐसा शब्द है जिसको आपने अपने जीवन में कई बार सुना होगा, और मुझे पता है कि आपको पता है कि भाषा क्या है, लेकिन बुरा मत मानिए क्योंकि आज मैं आपको फिर से एक बार बताने जा रहा हूँ कि भाषा क्या है, भाषा का हम लोगों के जीवन में वास्तविक क्या महत्वता है। भाषा वो साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य कौन? आप और मैं, ठीक है, हम ही तो मनुष्य है ना। तो मनुष्य अपने मन के भाव को, विचार को आपस में अभिव्यक्त करते हैं। कहने का तात्पर्य कि अगर आपके मन में कोई विचार है और उस विचार को आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप कैसे पहुंचाएंगे? ओबवियसली भाषा के माध्यम से। उसी प्रकार से अगर मेरे मन में कोई विचार है जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ तो मैं भाषा के माध्यम से उस विचार को आप तक पहुँचाऊँगा। तो इसी चीज़ को अगर हम अंग्रेजी में समझे तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ए लैंग्वेज कैन बी डिफाइंड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग, क्या? एक्सचेंजिंग द व्यूज, आइडियाज, फीलिंग्स इन बिटवीन टू और टू मोर इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो ये भाषा का डेफिनेशन हो गया, समझ गए भाषा क्या है। अब देखिए, मनुष्य ने अपने मन के विचार को एक दूसरे तक पहुंचाने की आकांक्षा से, आवश्यकता से भाषा को जन्म दिया, ठीक है। भाषा को किसने जन्म दिया? हम मनुष्य ने दिया ना। तो हम लोगों ने भाषा को क्यों जन्म दिया? क्योंकि एक दूसरे तक अपने मन के विचार भाव को अभिव्यक्त कर सके, उसका आदान प्रदान कर सके, तो इस आवश्यकता ने भाषा को जन्म दिया। अब भाषा का जन्म तो हो गया, लेकिन सबसे पहले भाषा तो संप्रेषण का माध्यम तो था ही, लेकिन वो केवल मौखिक रूप में हुआ करता था। कहने का तात्पर्य कि आपके विचार को मैं सुनता था, मेरे विचार को आपको सुनाता था, केवल उसका मौखिक रूप ही था। पश्चात अब मौखिक वाले विचारों को कितने देर तक आप सीमित रख सकेंगे, उसको सुरक्षित रख सकेंगे? एग्जाम्पल मान लीजिए, आज मैंने आपको कुछ एक सब्जेक्ट पर, कुछ एक टॉपिक पर पढ़ाया, उसको आप कितने दिन तक याद रख पाएंगे? हो सकता है कल परसों आपने इधर से सुना और इधर से उड़ जाए, वो हवा में उड़ जाती है। अब चीज़ों को सुरक्षित कैसे रखे, उसका संरक्षण कैसे करें, उसकी आवश्यकता ने फिर लिपि को जन्म दिया, ठीक है। पहले भाषा का जन्म हुआ, फिर उस भाषा को संरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने की आवश्यकता ने लिपि को जन्म दिया। तो समझ रहे हैं ना, हम लोग आज जिस टॉपिक पर पढ़ने जा रहे हैं उसी टॉपिक की ओर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उस टॉपिक को पढ़ने के लिए भाषा को समझना भी जरूरी था, इसलिए मैंने आपको आज थोड़ा फिर से पका दिया, कोई बात नहीं। तो अब लिपि का जन्म हुआ और लिपि में जो हम लोगों के भाव विचार वो सुरक्षित रहने लगे, वो लिपि ही है जिसके कारण से आज हम लोग अपने पूर्वज की संस्कृति को, हम लोगों के रहन सहन को, हम लोगों के खान पीन को, हम लोगों की मान्यता को जान पा रहे हैं। कहने का मतलब कि हम लोगों के इतिहास को हम लोग आज समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। अगर लिपि ना होता तो शायद ये भी मुमकिन ना होता। तो लिपि था इसलिए ये सब सुरक्षित थी और आज हम पढ़ पा रहे हैं, और आज जिस प्रकार से हम लोग जी रहे हैं, जो हम लोग की मान्यता है, जो हम लोग की संस्कृति है, उसको आज हम लोग लिपि के द्वारा सुरक्षित करेंगे तो आगे चलकर फ्यूचर जनरेशन उसको जान पाएंगे, ठीक है। अगर लिपि का जन्म बहुत पहले हो गया होता तो हम लोग बहुत पहले से अपने इतिहास को जान पाते। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लिपि का जन्म जो है बिल्कुल आधुनिक काल में हुआ है। मेरा कहने का तात्पर्य वो नहीं है। लिपि की विकास को पढ़ेंगे, वो भी प्राचीन ही है, लेकिन मैं उससे प्राचीन की बात कर रहा था कि अगर और प्राचीन से लिपि का जन्म हुआ होता तो हम लोग और प्राचीन समय के अपने पूर्वजों को भी जान सकते। लेकिन इसका कहने का तात्पर्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि लिपि का विकास जो है, लिपि का जन्म जो है बिल्कुल कल परसों हुआ, ऐसा नहीं है। लिपि का जन्म भी एक लंबी चौड़ी कथा है जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग लिपि का उद्भव और विकास को पढ़ेंगे। हालांकि इस टॉपिक पर यूट्यूब पर भी ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो उपलब्ध है और गूगल पर भी आपको मिल जाती है, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स का डिमांड है कि मेरे द्वारा वो लिपि के उद्भव और विकास को जाने। तो मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और बिल्कुल संक्षिप्त में आज आपको देवनागरी लिपि की उद्भव और विकास को पढ़ाऊं। लेकिन उससे पहले आज मैं बहुत प्रसन्न हूं और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। पूछे क्यों? क्योंकि फाइनली मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। लगभग एक साल के मेहनत के बाद में मैंने बहुत मेहनत की
और मेरे मेहनत के साथ साथ इसमें आप सभी का भी उतना ही बड़ा योगदान है जितना मेरा मेहनत है, उससे कई गुना ज़्यादा, बल्कि ये कहूँ कि कई गुना ज़्यादा आप लोगों का योगदान भी है। मैं मान लीजिए मैं वीडियो भी बनाता, यूट्यूब पे अपलोड भी करता, अगर देखने वाले दर्शक नहीं होते, मेरे सब्सक्राइबर नहीं होते, तो कौन देखता और किस प्रकार से मेरा चैनल मोनेटाइज होता। लेकिन आप लोगों की कृपा है कि मेरा चैनल फाइनली मोनेटाइज हो गया, इसलिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोगों का प्यार बना रहे और मेरा चैनल इसी तरह से और आगे की ओर अग्रसर होता रहे, कहने का मतलब ग्रो होता रहे, और इसी तरह से मैं भी आप लोगों की सहायता करते रहूं। तो सबसे पहले आप प्रस्तावना लिखें। प्रस्तावना में आप क्या लिखेंगे कि भाषा और लिपि के माध्यम से मनुष्य दिन प्रतिदिन सभ्य होते जा रहे हैं। आपको और मुझे शायद पता नहीं कि हम ये जो सभ्य होते जा रहे हैं ना, दिन ब दिन हम लोग सभ्यता की ओर सभ्य होते जा रहे हैं, उसमें भाषा और लिपि का भी एक प्रकार से बहुत बड़ा योगदान है। भाषा विचार विनिमय का साधन है, ठीक है, और लिपि उसका लिखित रूप है। कहने का मतलब कि भाषा को लिखित रूप प्रदान कौन कराता है? लिपि कराता है। अब लिपि क्या है, लिपि को समझते हैं। लिपि का अर्थ है कि किसी भी ध्वनियों को लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसी को लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। फॉर एग्जांपल हम लोगों की हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, उसी तरह से अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि है, ठीक है, फिर उसी तरह से पंजाबी की गुरुमुखी, उसी तरह से चाइनीज की चीनी, उर्दू की फारसी, इस तरह से प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। तो अन्य लिपियों पर आज हम लोग चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों का विषय जो है वो देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास है। तो देवनागरी लिपि जो है केवल भारतीय भाषाओं की लिपि नहीं है, भारत के साथ साथ और अन्य कई देशों की भाषाओं की लिपि है देवनागरी। फॉर एग्जाम्पल नेपाल की बात करें, तिब्बत की बात करें, या फिर दक्षिण एशिया, पूर्वी दक्षिण एशिया की बात करें, तो वहाँ के कई भाषाओं की लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है। और भारत के संदर्भ में बात करें तो देवनागरी लिपि जो है भारत में सबसे प्रमुख भी कह सकते हैं, या फिर सबसे लोकप्रिय लिपि है जिसका प्रयोग हम भारतीय करते हैं, और कई भाषाओं के लिपि के रूप में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल संस्कृत, पाली, नेपाली, हिंदी, कोंकणी, हरियाणवी आदि आदि, इन तमाम भाषाओं की लिपि जो है देवनागरी लिपि है। तो बस उद्भव और विकास में आप इतना ही लिखिए। अब इसके आगे लिखिए कि आगे देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास विस्तार पूर्वक निम्नलिखित है, क्योंकि हमने मोटा मोटी बैकग्राउंड को जान लिया। प्रस्तावना में हमने मोटा मोटी बैकग्राउंड को जान लिया कि लिपि क्या है, भाषा क्या है, फिर लिपि क्या है, लिपि का हम लोगों के मनुष्य के जीवन में क्या रोल है, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग सीधा पॉइंट की बात करेंगे, अपने विषय की बात करेंगे, देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास। अब अन्य लिपियों से हम लोगों का लेना देना नहीं, हम केवल देवनागरी लिपि पर बात करें। देवनागरी लिपि को जानने के लिए कि देवनागरी लिपि जो है वो अस्तित्व में कैसे आया, इसका जन्म कैसे हुआ, हमें इतिहास के पीछे की ओर जाना होगा। जब देवनागरी लिपि की जन्म की बात करते हैं, इसके अस्तित्व में आने की बात करते हैं, तो हमें ये ज्ञात होता है कि देवनागरी लिपि का जन्म जो है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ब्राह्मी लिपि से सीधा देवनागरी लिपि का जन्म हुआ, इसकी प्रक्रिया भी बहुत लंबी है। आप ये बिल्कुल मत कहिए कि ब्राह्मी लिपि माता है और देवनागरी लिपि उसकी बेटी, नहीं, देवनागरी लिपि से बहुत सारे लिपियों का जन्म हुआ, फिर धीरे 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 करके देवनागरी लिपि का जन्म हुआ। तो उस प्रक्रिया को आज हम लोग समझेंगे, और वही तो है उद्भव और विकास। उद्भव और विकास में आपको लिखना क्या होता है कि किस प्रकार से किसी चीज़ का उदय हुआ, जन्म हुआ, फिर किस प्रकार से उसका विकास हुआ, तो यही तो लिखना होता है। अगर आपको उद्भव और विकास किस प्रकार से लिखना है नहीं पता है, तो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर उद्भव और विकास लिखने की विधि पर वीडियो बनाया हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने अपने चैनल में प्लेलिस्ट
टॉपिक्स वाइज प्लेलिस्ट बनाकर रखा है, आप वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। उसको अवश्य देखें। उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि अगर आपके परीक्षा में उद्भव और विकास पर प्रश्न पूछे तो आपको किस तरह से उसको ड्राफ्ट करना होता है, किस तरह से आंसर को सेट करना होता है, लिखना होता है, आपको बिल्कुल अच्छी प्रकार से आप जान जाएंगे। इसलिए उस वीडियो को अवश्य देखिए। तो उसमें मैंने कहा था कि पहले हम उदय की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ हम लोग समझ रहे हैं कि ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का जन्म हुआ, लेकिन इसके बीच में बहुत सारी प्रक्रिया है, बहुत लिपियों से होकर गुजरकर पश्चात देवनागरी लिपि का जन्म हुआ। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो आज से लगभग 250 ईसा पूर्व, ठीक है, लगभग 3 लिपियों का आगमन हुआ था। एक तो सिंधु, दूसरी खरोष्ठी, तीसरी ब्राह्मी लिपि। अब यहाँ पर सिंधु और खरोष्ठी उनको हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो हम लोग का विषय नहीं है। हम लोगों को देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास दिखाना है। तो देवनागरी का जन्म सीधा कहाँ से होता है? ब्राह्मी लिपि से होता है आगे चलकर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर वो सिंधु और खरोष्ठी वाले लिपि को छोड़ देते हैं। अब हम लोग ब्राह्मी लिपि की बात करते हैं। तो लगभग 250 ईसा पूर्व ब्राह्मी लिपि का जन्म हुआ, और ये जो ब्राह्मी लिपि है ये आर्यों के द्वारा इसका आगमन हुआ था, आर्यों के द्वारा इसका जन्म हुआ था, ठीक है। और ब्राह्मी लिपि जो है वो उत्तरी भारत और दक्षिण भारत दोनों तरफ फैल गई। उत्तरी भारत मतलब नॉर्थ इंडिया और दक्षिण भारत मतलब साउथ इंडिया, तो दोनों तरफ फैल गई। और आगे चलकर लगभग 5वीं शताब्दी में ब्राह्मी लिपि ने, मैं उत्तरी ब्राह्मी लिपि की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि ने गुप्त लिपि का रूप धारण कर लिया। कहने का मतलब कि लगभग 5वीं शताब्दी में ब्राह्मी लिपि जो है वो गुप्त लिपि में विकसित हुई, और आगे चलकर ये गुप्त लिपि जो है लगभग पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कहने का तात्पर्य कि जहाँ जहाँ गुप्त साम्राज्य फैला वहाँ वहाँ ये गुप्त लिपि फैलती गई। फिर वही आगे चलकर लगभग 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी के अंतराल ये गुप्त लिपि जो है ये कुटिल लिपि में विकसित हो गई। कहने का मतलब कि गुप्त लिपि ने धीरे धीरे कुटिल लिपि का रूप धारण कर लिया। फिर आगे चलकर वो कुटिल लिपि जो है वो प्राचीन नागरी लिपि में विकसित होती है, और ये कब होता है? लगभग 10वीं और 12वीं शताब्दी में। अब देखिए, कुटिल लिपि जो है वो धीरे धीरे प्राचीन नागरी लिपि में विकसित होती है। अब प्राचीन नागरी, यहाँ देखिए नागरी शब्द आ गया, अब प्राचीन नागरी से ही फिर आगे चलकर नागरी लिपि का जन्म होता है, जिसको आज हम लोग देवनागरी लिपि कहते हैं। तो यहाँ आप सभी को बता दूँ कि देवनागरी लिपि को कई नामों से जाना जाता है। नागरी लिपि भी कहा जाता है, देवनागरी लिपि भी कहा जाता है, हिंदी लिपि भी कहा जाता है, आदि आदि। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरह से ब्राह्मी लिपि से धीरे 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 अलग अलग अन्य अन्य लिपियों का जन्म हुआ, और अंतिम में नागरी लिपि का जन्म हुआ, जिससे देवनागरी लिपि का जन्म हुआ। तो हमने अभी जन्म को देख लिया, उदय को देख लिया, किस प्रकार से देवनागरी लिपि का उदय हुआ, कहाँ से हुआ, किस प्रकार से और किन प्रक्रियाओं से होते हुए हुआ, इसको हमने समझ लिया। अब इस देवनागरी लिपि के नामकरण, ये जो है ये एक विवाद का विषय है। इसको लेकर आपको कई सारे मत देखने को मिलेंगे। किसी की मान्यता कुछ और है, किसी की मान्यता कुछ और है। हमें इस विवाद से बचना है, इस विवाद से बचते हुए अपने आंसर को ड्राफ्ट करना है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर इसकी चर्चा अवश्य करेंगे कि किन्हीं किन्हीं ने नागरी लिपि को नागरी इसलिए कहा क्योंकि उनका मानना था कि ये गुजरात के नागर नामक जगह में ब्राह्मणों द्वारा इसको प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसका नाम नागरी लिपि पड़ा। वही किसी का मानना है क्योंकि ये नगर से संबंधित है, नगरों में इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम नागरी लिपि पड़ा। वही किन्हीं किन्हीं की मान्यता ये है कि क्योंकि देवनागरी लिपि का जो ये जो प्रचलित कहाँ हुआ, ये उत्तर भारत में, उत्तर भारतीय क्षेत्र में इस ये प्रचलित हुई, जो देवों की नगर है। कहने का मतलब कि प्राचीन काल में देव लोग उत्तर भारत में अधिक जन्म लिया देवों ने, तो इसीलिए उन लोगों का मानना है कि इसीलिए इसका नाम देवनागरी लिपि पड़ा। तो ये विवाद का विषय है, ये मतभेद का विषय है, और इसको लेकर आपको कई सारे तथ्य, कई सारे मत देखने को मिलेगा। लेकिन अंततः हम लोग आज देवनागरी लिपि के रूप में ही इस लिपि को जानते हैं।
लेकिन आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि देवनागरी लिपि या फिर नागरी लिपि एक ही है, सब एक ही है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी। अब आप पैराग्राफ चेंज करके फिर लिखें। देखिए यहाँ पर मैं आपको पॉइंट पॉइंट बनाकर नहीं लिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको पैराग्राफ वाइज लिखा रहा हूँ, मतलब पैराग्राफ बदल बदल कर आप लिखेंगे। अभी हमने थोड़े पहले बात की कि कुटिल लिपि की, कुटिल लिपि उत्तरी भारत में फैली थी, ठीक है, इसका जन्म उत्तरी भारत में हुआ था, और कुटिल लिपि से भी दो लिपियों का जन्म हुआ था, एक शारदा और दूसरी नागरी, ठीक है। तो कुटिल लिपि से दो लिपियों का जन्म हुआ, एक शारदा दूसरी नागरी लिपि, और वही नागरी लिपियों से भी कई सारे आधुनिक लिपियों का जन्म हुआ, जैसे गुजराती, राजस्थानी, देवनागरी आदि आदि बहुत सारे आधुनिक लिपियों का जन्म हुआ। किससे? नागरी लिपि से। शारदा की हमने बात कर ली और यहाँ पर हम शारदा पर आगे नहीं बढ़ेंगे, नागरी पर आगे बढ़ेंगे। तो नागरी से इस तरह से गुजराती, राजस्थानी, देवनागरी कई आधुनिक लिपियों का जन्म हुआ। फिर वही भारत के पूर्वी क्षेत्रों में, ठीक है, भारत के पूर्वी क्षेत्रों में नागरी लिपि से ही बांग्ला, उड़िया, असमिया आदि आदि कई लिपियों का जन्म होता है। अब यहाँ समझिए कि जिस प्रकार से भारत को आज़ादी पाने के लिए कई सारे युगों से, कई सारे शासन कालों से होकर गुजरना पड़ा, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले मुसलमानों ने शासन किया, फिर ब्रिटिश ने किया, इस तरह से कई कठिनाइयों से, कई सालों से, कई शासन कालों से गुजरकर भारत को आज़ादी मिली। ठीक उसी प्रकार से देवनागरी लिपि का, जो आज हम आधुनिक देवनागरी लिपि का जो प्रयोग करते हैं, उसका जन्म भी कई युगों से, कई प्रक्रियाओं से, कई लिपियों से गुजरते हुए इसका भी जन्म हुआ। मैं यहाँ इस ओर इशारा कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि आप पर अगर मैंने कब्जा जमा लिया, तो मैं तो ये कोशिश करूँगा ही ना कि आप जो है वो मेरी भाषा और मैं जिस लिपि का प्रयोग करता हूँ वो आप भी करने लगे, क्योंकि आप पर मेरा हक है, मेरा अधिकार है। लेकिन इसी तरह से भारतवर्ष में जिन लोगों ने भी शासन किया, उन लोगों ने भी प्रयास किया कि उनकी भाषा, उनकी लिपि हम पर थोपा जाए, लेकिन देवनागरी लिपि सुरक्षित रही और सभी परिस्थितियों से गुजर कर भी आखिरकार भारत में देवनागरी लिपि का अस्तित्व भी आया। कहने का मतलब कि भारत में अन्य लिपियों की तरह ही देवनागरी लिपि ने भी अपना अस्तित्व को बचाए रखा और आज भी ये अस्तित्व में है। लेकिन यहाँ फिर समझने वाली बात यह है कि वर्तमान समय में हम जिस देवनागरी लिपि का प्रयोग कर रहे हैं, ये देवनागरी लिपि कई अन्य भाषाओं की लिपि से भी प्रभावित है। जिस देवनागरी लिपि का हम अभी वर्तमान में प्रयोग कर रहे हैं, उसमें फारसी, बांग्ला, गुजराती, मराठी, उसके बाद रोमन, हाँ यहाँ तक कि रोमन लिपि का भी प्रभाव देखा जाता है। छोटा सा आपको बता दूँ कि रोमन लिपि का प्रभाव कैसे देखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि हम लोग केवल पूर्ण विराम, ठीक है, फुल स्टॉप को छोड़कर बाकी जो भी हम ये चिन्ह, विराम चिन्ह लोग जो हम यूज़ करते हैं, वो रोमन लिपि से ही लिया गया है, तो उसका प्रभाव भी देखा जा सकता है। लेकिन आधुनिक और वर्तमान की देवनागरी लिपि को बनाने में ये बहुत ध्यान रखा गया है कि ये सरल से सरल कैसे हो, ताकि पाठक को इसको पढ़ने में, इसको लिखने में सहूलियत हो, इस चीज़ का बड़ा ही ध्यान रखा गया है। इसीलिए अन्य भाषाओं की लिपि से भी सहायता लिया गया है और इसको सरल से सरल बनाया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं कि देवनागरी लिपि में लिपि चिन्हों का नाम जो है वो ध्वनि के अनुसार है, वही स्वरों के लिए स्वतंत्र चिन्ह है, और एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण है, और सिरा रेखों का प्रयोग भी किया गया है, और हर व्यंजन जो है वो स्वरों से मिलकर बना है। अब आपको यहाँ समझ में नहीं आया होगा कि व्यंजन स्वरों से मिलकर बना है, मेरे भाई इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, मेरे चैनल पर ही उपलब्ध है। अगर आप MA BA के स्टूडेंट हैं और अभी भी आप सही से स्वर और व्यंजन को नहीं जानते, उसको पढ़ना नहीं जानते, उसको कैसे उच्चारित किया जाता है उसको नहीं जानते, तो ऑलरेडी मेरे इसी चैनल पर स्वर और व्यंजन पर भी दो वीडियो उपलब्ध है, आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि जानना आवश्यक है स्वरों को किस प्रकार से उच्चारित किया जाए, उच्चारण कैसे किया जाता है, व्यंजनों का किस तरह से उच्चारण किया जाता है, उसको समझना पड़ेगा। इसीलिए तो उसको हम लोग नहीं समझते, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग रीडिंग करते हैं उसमें गलतियां देखी जाती है, जो हम लोगों का स्पेलिंग मिस्टेक्स होता है उसका मेन जड़ जो है, क्योंकि हम लोगों का बेस लेवल ठीक नहीं है।
अगर हमने स्वर और व्यंजन को सही से नहीं पढ़ा, मात्राओं को सही से नहीं पढ़ा, तो आज तो हम मिस्टेक्स करेंगे ही। अगर स्वर और व्यंजन को उच्चारण करने का तरीका हम लोग सही से पकड़ लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आपसे स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होगी। इसलिए उस वीडियो को भी अवश्य देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा। दोस्तों, अब तक हमने जो भी चर्चा की, अगर आपके परीक्षा में देवनागरी लिपि की उद्भव और विकास पूछे, इतना लिख देंगे आप तो ये आपके लिए पर्याप्त रहेगा, इतना ही पर्याप्त रहेगा और फुल स्कोरिंग रहेगा। इतना लिख देंगे तो आप, अगर ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, वैसे मेरे ख्याल से कि ये प्रश्न लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं पूछी जाती है, आपको 5 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, लेकिन 15-18 के लिए मैक्सिमम नहीं पूछी जाती। मेरे समय में तो नहीं पूछा गया, अभी का मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आपसे फिर भी पूछ ले तब भी आप इतना लिख देंगे तो पर्याप्त होगा, क्योंकि मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराया उसको अगर आप मानकर चलेंगे ये 3-4 पेज मिनिमम भी, ये 3-4 पेज तो बिल्कुल होगा ही होगा, और 15-18 मार्क्स के लिए 3 या 4 पेज लिखेंगे तो वो पर्याप्त रहता है, इनफ रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो मैंने ये देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास बताया, ये इससे आप संतुष्ट होंगे। लास्ट में मैंने हल्का सा गुण व दोष को भी बता दिया, ये भी एक अलग बिंदु है, देवनागरी लिपि की गुण व दोष, ये भी अलग सा एक बिंदु है, इस पर भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसीलिए आप इसको भी पढ़ के अवश्य जाइए, क्योंकि अगर आपके सिलेबस में देवनागरी लिपि है तो इस टॉपिक को भी पढ़िएगा, देवनागरी लिपि का गुण तथा दोष, ठीक है, इसको भी पढ़ के जाइए, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछी जाती है। तो दोस्तों, लास्टली आप सभी का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों के सहयोग के कारण मेरा चैनल मोनेटाइज हो पाया, और ऐसी उम्मीद करता हूं कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप हिंदी के विद्यार्थी ही हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी से जुड़ी खास तौर से बीए और एमए वालों के लिए मैं इस तरह के तमाम टॉपिक्स पर वीडियो बनाते रहता हूं। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए या ना भी आए तो लाइक करें, कुछ पूछना हो, अपना सुझाव देना हो, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, इसी तरह अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनकी भी सहायता हो। तो मिलते हैं बहुत जल्दी किसी अन्य विषय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।